Good morning students, firstly welcome to all of you in my YouTube channel. Now in this video we will read and solve some question answers of EVS class 5 chapter 8. The name of the chapter is A Treat for Mosquitoes. Good morning students, सबसे पहले आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है. आज की इस वीडियो में हम EVS class 5 का chapter 8 जिसका नाम A Treat for Mosquitoes है इसकी रीडिंग करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन करेंगे. सो ये फोर क्वेश्चंस आप प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इन विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन, व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंस. इसमें बोला गया कौन सा ऐसा सीजन रहता है जिसमें कि मलेरिया होना एक कॉमन एक सामान्य सी बात होती है और आप क्या सोचते हैं कि ये कैसे होता है. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मलेरिया इज मोर कॉमन ड्यूरिंग द रेनी सीजन. कब होता है? बारिश के टाइम में एक बहुत सामान्य सी बात है कि मलेरिया हो जाए. दिस इज बिकॉज वॉटर लॉग्ड एंड डम्प प्लेसेस प्रोवाइड्स सुटेबल ब्रीडिंग एनवायरमेंट. तो क्या होता है, जब बारिश होती है तो बहुत सारा जो पानी होता है वो आता है और डंप हो जाता है, गड्ढे होते हैं उससे भर जाते हैं. तो उससे क्या होता है, एनवायरमेंट क्या होता है, मौसम ऐसा हो जाता है कि वो मच्छर उसमें बहुत अच्छी तरह से पल सकते हैं और उनको मतलब कि रिप्रोड्यूस होने का एक साधन मिल जाता है. एनवायरमेंट फॉर द मॉस्किटोस, मॉस्किटोस के लिए बहुत अच्छा एनवायरमेंट बन जाता है जिससे कि वो क्या होते हैं, मतलब कि प्रोड्यूस होते रहते हैं और वो प्रोड्यूस होते रहते हैं तो हमको काटते हैं और जिसके कारण क्या हो जाता है, हमें मलेरिया हो जाता है. एंड नाउ नेक्स्ट इज What do you do in your house to protect yourself from mosquitoes? इसमें बोला गया है कि अपने घर में मच्छरों से बचने के लिए आप क्या करते हैं. Also find out from your friends about what they do. और आपने अपने दोस्त से भी पूछना है कि आप मच्छरों से बचने के लिए अपने घर में क्या करते हैं. So the answer of this question is in our house well as my friend's house mosquitoes रेपलेंट डिवाइसेस एंड मॉस्किटो नेट्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज. इसमें बोला गया मेरे घर में और मेरे घर की तरह मेरे जो दोस्त के घर में जो मच्छर मारने वाले बहुत सारे जो मशीनें होती हैं मॉस्किटोज गुड नाइट वगैरह की वो यूज होती है एंड मॉस्किटो नेट को यूज करते हैं हम, जो मच्छरदानी होती है उसको ओढ़ के सो जाते हैं जिससे कि क्या होता है, मच्छर उसके अंदर नहीं आ पाते हैं, जिससे कि अगर वो उसके अंदर नहीं आएंगे तो हमें काटेंगे नहीं और हमें मलेरिया नहीं होगा. बिसाइड्स We remain vigil that there should not be any water logging in surroundings. और हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि हमारे चारों तरफ किसी भी प्रकार का पानी इकट्ठा ना हो पाए, क्योंकि अगर हमारे चारों तरफ कोई पानी रुका हुआ नहीं होगा तो उसमें मच्छर क्या नहीं जन्म नहीं ले सकेंगे और मच्छर नहीं होंगे तो हमें मलेरिया नहीं होगा. We also keep our coolers, pots, etc. are clean. और हम क्या करते हैं, क्योंकि कूलर में पानी डंप रहता है तो उसमें क्या करते हैं, हम अपना कूलर क्या करते हैं, रोज पानी बदल देते हैं, अपने कूलर को क्लीन रखते हैं, पॉट्स अपने बर्तनों को घड़े को क्लीन रखते हैं और जिससे कि क्या होता है, वहां पर गंदगी नहीं होती है और उसमें मच्छर पैदा नहीं हो पाते हैं जिससे कि हमें मलेरिया नहीं होता है और हम मलेरिया से बचे रहते हैं. नाउ नेक्स्ट, Look at the report of the blood test given here. Which words in the report help us to know that the person has malaria? So, बच्चों ये रिपोर्ट देखिए और इसे पता लगाइए कि इसमें ऐसे कहां लिखा गया है कि इससे हमें पता चले कि क्या हो गया है, इनको मलेरिया हो गया है. तो देखिए ये किसकी रिपोर्ट है, रजत, उनकी एज है 11 ईयर्स, सेक्स मेल एंड डायग्नोसिस पहचान किया गया फीवर विथ चिल्स एंड रेजर्स, उसमें ठंड लगकर कंपकंपी के साथ बुखार. तो जब उनकी टेस्ट करा के रिपोर्ट आई तो नीचे इसकी रिपोर्ट में लिखा है, देखिए, मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल, खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द रिपोर्ट दैट मलेरिया पैरासाइट हैज बीन फाउंड इन ब्लड सैंपल ऑफ द पेशेंट. And here is medicine for malaria. From early times, the dried and powdered bark of the
कोना ट्री वॉज यूज टू मेक अ मेडिसिन फॉर मलेरिया. इसलिए ये जो बताया गया है ये यूज होते हैं मलेरिया की मेडिसिन बनाने के लिए. अर्लियर पीपल यूज टू बॉयल द बार्क पाउडर एंड स्ट्रेन द वॉटर विच वॉज गिवन टू पेशेंट्स. नाउ टेबलेट्स आर मेड फ्रॉम दिस. पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, पीपल यूज टू बॉयल द उस पाउडर को क्या करते थे, पहले बॉयल करते थे पानी में और उसके बाद पानी को छान कर उसको दिया जाता था. विच वॉज गिवन टू पेशेंट. नाउ टैबलेट्स आर मेड फॉर दिस. मगर अभी क्या हो गया, अभी इसके लिए टैबलेट्स बना दी गई हैं और ये यूज नहीं होता है पानी. और क्या देते हैं अभी, अभी पेशेंट्स को टैबलेट्स दिए जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड अवर टूडेज टॉपिक. आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली. सो यू विल राइट डाउन ऑल द सॉल्यूशंस इन योर फेयर नोटबुक एंड सेंड मी द फोटोज ऑफ योर सॉल्यूशंस. इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, you can also contact to me. Thank you.